नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था, एक नई सीरीज लेके आया हूँ, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस आपकी पामिस्ट्री या पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर मैंने आपको आजकल जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सूर्य के ऊपर कि वो कौन से भाव पे है, और आज का वीडियो है सूर्य जो है वह सातवें भाव पर है। अगर सन इन द सेवंथ हाउस है तो वो रेखा कौन सी होती है और व्यक्ति को क्या क्या उसमें जो है लाभ मिलते हैं, ठीक है, दूर से देखकर कैसे पता लगता है, आ रही है समझ। इसमें मैं दो रेखाओं को की इन्वॉल्वमेंट लूंगा, दो रेखाओं की इन्वॉल्वमेंट लूंगा। एक मैं लूंगा गुरु से, एक रेखा को निकालकर मैं चंद्र पर ले जाऊंगा, और एक रेखा को मैं सूर्य से निकालकर शुक्र पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस पर देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसको क्या लाभ मिलता है। जैसे आप लोग कहते हो ना लॉटरी में लाभ, तो या ये में लाभ, तो याद रख लेना मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि जहाँ लॉटरी में भी लाभ मिलेगा उसे, रिश्वत मिलेगी, आ हा 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 हा, मज़ा आ जाएगा, रिश्वत मिल रही है, ठीक है। तो वो सब मैं चीज़ें आज बताऊंगा आपको। देखो समझो, सबसे पहले मैंने आपको कहा एक गुरु से रेखा निकालूंगा, तो गुरु की उंगली से मैंने एक रेखा को निकाला। मैंने कहा चंद्र का आपका ये वाला पोर्शन पर मैं इस रेखा को लेके आ जाऊंगा। इज इट राइट? राइट। एक मैं सूर्य से एक रेखा को निकालूंगा जिसमें मैं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बता दूंगा। ये रेखा का कंसर्न है, सूर्य सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या कि जो व्यक्ति यहां पर पैदा होते हैं ना, वो व्यक्ति लकीएस्ट होता है, लकीएस्ट व्यक्ति होगा ये व्यक्ति अपने अपने घर का। अरे मेरा बच्चा बड़ा लक्की है, जब से ये पैदा हुआ है मेरे घर में ना तरक्की हो रही है। उसे पता नहीं कि बच्चे के हाथ में ये रेखा है, वो इसलिए माँ बाप सोच रहे हैं कि ये जब हुआ है तो मेरा काम जो है बढ़ रहा है, लेकिन वो किसके कारण हो रहा है, वो इसके कारण हो रहा है, समझ रहे हैं। लाभ तो मिलता मिलता है, लेकिन लाभ के अलावा ये बिजनेस में जाए तो बहुत फायदा होता है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस करें तो, और राजनीति में जाएं तो बेफायदा होता है। मैं पहले बता रहा हूं राजनीति वर्ड, यहां पर शासकीय कार्यों में लाभ होगा, ठीक है, सम्मान प्राप्त होता है, लाभ मिलता है, लॉटरी से लाभ मिलता है, रिश्वत भी मिलती है। अरे बाप रे, अरे सरकारी जॉब मिल गई ऐसी और उसमें ये रेखा है, अरे बनाओ बनाओ, दो मकान बनाओ, तीन मकान बनाओ, चार मकान बनाओ, अरे मर्सिडीज लो आप ऐसे, अरे फिर तो वारे न्यारे हैं आप लोगों के। और किसी फीमेल के हाथ में आ गई ना ये, अरे अरे हे हे, समझ लो कि व्यक्ति का जो उनके हस्बैंड होंगे ना, ओहो टॉप, मजा आ जाएगा उसके, उसको तो विशेष लाभ मिलना ही मिलना है। अगर किसी फीमेल के हाथ में आ गई ये वाली रेखा है और वो एक गृहिणी है, मैं कह रहा हूँ गृहिणी है, कुछ नहीं कमाती, देखो उसे व्यक्ति को नहीं समझ आएगा यार ये क्या चक्कर है यार, मेरी लाइफ में यार मेरी वाइफ जो है लकीएस्ट है यार, विशेष लाभ मिल रहा है यार, ये है, इसे ही तो कहते हैं सेवंथ हाउस में बैठा है सूर्य। ये क्या है, फीमेल से लाभ दिलवाता है नहीं दिलवाता, ये वाली रेखा शुक्र की दिलवाएगी नहीं दिलवाएगी, कहां तक जा रही है, अरे वाह सूर्य की तरफ से जा रही है। ये क्या कहते हो, चंद्र से रेखा निकल रही है तो ये शादी के बाद इसका कंसर्न होता है, अरे वाह वाह वाह, हम तुक्कों के पाम रीडर नहीं है, हमने तो आपको करके दिखाया जो कि एस्ट्रोलॉजी में होता है, गवर्नमेंट जॉब में फायदा मिलता है, लेकिन वही टेबल के नीचे वाली ऊपर भी पहुंचता है। तो किसी के हाथ में देख लो तो चुपचाप हंस लेना, चुपचाप हंस लेना, अरे रिश्वत तो मिलती है भैया आपको, नहीं 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 मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं, जी 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 कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी स्त्री को तो बहुत लाभ मिलेगा, याद रख लीजिएगा, स्त्री के हाथ में है, लकीएस्ट होगी, अपना बिजनेस कर ले, बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक, बहुत आगे। अब आगे देखते हैं,
आठवें भाव पर, सूर्य एर्थ हाउस में होता है तो क्या करता है। अब मैं आपको अन्ना बना रहा हूँ। अन्ना समझते हैं, अन्ना कौन है? वो जो धरने में बैठकर लोगों की बुराई, संसार से बुराई को ख़त्म करना चाह रहा है, अपने दुश्मनों का नाश करना चाह रहा है, अपने रिश्तेदारों पर आंच तक नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ विपरीत चीज़ें भी होती हैं, विपरीत भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। अब मैं वो चीज़ें पहले रेखा, एक रेखा, बस एक रेखा बना रहा हूँ और उसका कंसर्न सूर्य से लेकर मैं फिर चंद्र से मिला दूँगा। यानी सूर्य से लेकर आपको पता नहीं क्यों पूर्व पुण्य रेखा, पूर्व पुण्य रेखा, बस यही जो है चीज़ें जो हैं आपको याद आती हैं। सेंटर पॉइंट से, सूर्य के सेंटर पॉइंट से एक रेखा को निकाला और चंद्र के इस पोर्शन पर मैंने जो है वो रख दी। बस ये है, 22 साल का हुआ नहीं व्यक्ति, तरक्की उसके पास मिली नहीं, उसके पास यस, उसका बिजनेस, उसकी नौकरी, उसका कहीं पर भी ऐसा भागेगा, ऐसा दौड़ेगा कि आप रेसिंग बाइक भी उसका पीछा नहीं कर पाएगी, इतनी तरक्की कर लेगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इतनी तरक्की कर लेगा। और ये करता क्या है, ये जातक जो होगा ना सच्चाई पसंद होगा, सच्चाई पसंद। पहला तो मैंने कहा रिश्वतखोर होगा ना वो जो 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 रेखा बनाई थी, और दूसरा बुराई को मिटाए, नहीं 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 मैं रिश्वत नहीं लूंगा, तुमने काम ऐसा कैसे कर लिया, मैं आंदोलन कर सकता हूँ। दुश्मन, ओ महात्मा गांधी जैसे लोग, हाँ हाँ हाँ, दुश्मनों का नाश कर देगा। रिश्तेदारों पर कोई आँच आ जाए, मुसीबत आ जाए, पैसा निकाल कर देगा, भाई पैसा निकाल कर देगा। लेकिन एक कमी होती है, ये अगर गलत रास्ते में पहुंच गया ना ये व्यक्ति, गलत रास्ते पे, तो फर्स्ट कॉपी बनाने में नंबर वन होगा। अरे सर ये फर्स्ट कॉपी क्या, कहाँ से आ गई? फर्स्ट कॉपी जूतों की फर्स्ट कॉपी, घड़ियों की फर्स्ट कॉपी, समझ रहे? फर्स्ट कॉपी का मतलब नकल, 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 नकल। सीडी, अरे वो वाली सीडियों की दूसरे काम करते हैं, समझ रहे? नकल में नंबर वन है ये, वो वाले बिजनेस में जबरदस्त तरक्की कर सकता है, समझ आ रही है? तो मैंने आपको देखो कितनी कितनी अच्छी दूर से चीजें पता लग रही हैं आपकी लाइफ में कि, और इसके कारण वो मांगलिक हो नहीं सकता, याद रख लीजिएगा, कभी मांगलिक नहीं होगा, सूर्य के प्रभाव से वो मांगलिक बन नहीं सकता, समझ आ रही है? ठीक, तो ये मैंने आपको सिखा रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है आपको। अब अगला जो बनेगा वो बनेगा सूर्य जो है नाइन्थ हाउस में हो, नवम भाव पर हो, तो रेखाएं क्या बनती हैं वो भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।